एक स्कॉर्पियो लेके दारू यानी शराबी आदमी थे तो जबरदस्ती करने लगा, यानी गेट को तोड़ने के लिए पूरा प्रभाव कर दिया था। बोला कि नहीं खुलेगा अभी, मैं तोड़ डालूंगा। बंदूक दिखाने लगा, मेरा स्टाफ थोड़ा डर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पीआर। घटना रात में यहाँ पर घटी है। मैं आपको बता दूँ कि ये जगदेव पथ है और जगदेव पथ के पास एक जो गली आती है वहाँ पर चंपारण मीट हाउस है। चंपारण मीट हाउस में रात में कुछ लोग यहाँ पर घुस गए और जबरदस्ती गेट ढकने लगे, जबरदस्ती वो गेट को तोड़वाने लगे। हालांकि अंदर स्टाफ भी थे लेकिन उनका गेट खोलते खोलते वो गेट को तोड़ डाले। और क्या कुछ हुआ है हम इन्हीं से जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये गेट है चंपारण मीट हाउस का, ये जो गेट है इसे तोड़ दिए थे और अंदर जो स्टाफ थे वो भी घायल हो गए थे। और यहाँ के स्टाफ से मैं अब बात करूँगी कि क्या कुछ वो जो घटना हुई थी रात में सारा घटना वही लोग बताएंगे कि क्या किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग आए और क्या कुछ यहाँ पर करके गए। आप देख ही सकते हैं कि ये गेट को किस तरह से तोड़ दिया गया है और अंदर का जो स्टाफ थे वो काफ़ी जख्मी हो गए हैं। आप थे कल? हाँ, रात में लमसम 12:30 बजे के लमसम, यानी एक स्कॉर्पियो लेके यहाँ पर यानी दुकान के बाहर खड़ा कर दिए थे। उसके बाद अंदर आके गेट के बोले ढकढका खोलने के लिए, मेरा स्टाफ से बोले नहीं अब दुकान बंद हो चुका है, अब दोबारा खुलेगा नहीं। तो वो जबरदस्ती करने लगा, यानी गेट को तोड़ने के लिए पूरा प्रभाव कर दिया था। तो फिर हम यानी दारू यानी शराबी आदमी थे, पी के आए थे। उसके बाद हम मेरा स्टाफ से बोले नहीं हम नहीं खोलेंगे, बोले तो बोला कि नहीं खुलेगा अभी, मैं तोड़ डालूंगा। वो थोड़ा यानी बंदूक दिखाने लगा तो इसमें मेरा स्टाफ थोड़ा डर गया। हाँ, लेकिन बंदूक से कुछ नहीं, हल्का मारा बस, फिर रख लिया। तो फिर हम खुद उठ के यानी मेरे स्टाफ से उठाया, भैया देखिए यानी कोई आदमी आके यानी गेट को तोड़ रहा है। तो फिर हम गए तो यानी हम बोले हाँ ठीक है खोल रहे हैं। जब तक यानी लॉक हम खोल ही रहे हैं तो बहुत कस के यानी लात से यानी नीचे मारा ऊपर। वो अकेले आए थे और पता नहीं हम नहीं देखे, स्कॉर्पियो के अंदर में था कि नहीं था, लेकिन हम उनको देखे, लाल जैकेट पहन के आए थे। अकेले आए थे, अकेले आए थे। तो फिर यानी ढकना फिर ला से बहुत कस के मारने के बाद यानी पूरा कांच टूट गया, कांच पूरा डायरेक्ट टूटने ऊपर का सब पूरा मेरे हाथ पर लग गया, हाथ घायल हो गया था। हाँ, गाड़ी नंबर सिर्फ नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद पुलिस आए, थोड़ी देर के बाद मेरा मालिक आए, पुलिस को मंगवाए ऐसे ऐसे हुआ है और चंपारण मटन हाउस में। तो हवाई अड्डा का आए थे यानी पुलिस, तभी यानी बगले में थे तो तुरंत आ गए। तो फिर हमको ट्रीटमेंट के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले गया, तो बस वहाँ पर सब ट्रीटमेंट हो गया रात में। तो सुबह में पुलिस के था, पुलिस के पास गए थे। पुलिस के द्वारा क्या कुछ भी अभी कुछ उसका सुझाव नहीं है, बस अपना आवेदन सब कुछ लिख के दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद हम बता सकते हैं। हाँ, कैमरा भी लगे हैं, तो कैमरा से भी उनको चेहरा पहचाना गया है, गाड़ी नंबर भी सब कुछ नोट हो गया है। हालांकि जो यहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि हम उस लोग को ही जानते हैं जो यहाँ पर गेट तोड़ रहे थे और इनके कैमरे भी इस दुकान में कैमरे भी लगे हुए हैं और कैमरे में सारा कुछ कैद हो चुका है, गाड़ी नंबर कैद हो चुका है और जो आदमी इस तरह के रात के 12 बजे इस तरह के जो कर रहा था वो भी कैद उसमें हो चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है और क्या कुछ सामने निकल के आता है, कौन थे वो लोग, ये सारा कुछ माजरा सामने निकल कर आ जाएगा। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर।